बाद ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है लेकिन ब्लॉग नहीं है, आज होने वाला है बहुत तगड़ा वाला प्रैंक। मैं ही अपने घर पे, आप मेरे बैग से देख के समझ गए होंगे मैं कहाँ पर हूँ, और मैं करने वाली हूँ प्रैंक अपने पापा पे। मेरे साथ मेरी बड़ी वाली सिस्टर अब खोज हुए वो मिली हुई है, बाकी कोई नहीं मिला हुआ। लेट्स सी क्या रिएक्शन है। मैं करने वाली हिस्सा प्रैंक समझ गए होंगे। मैं मांगने वाली हूँ पापा से अपना हिस्सा प्रॉपर्टी में। लेट्स सी उनका रिएक्शन क्या हो रहा है। बहुत ही खतरनाक वाला हो रहा है। वैसे तो खुदा ना करे मुझे पापा से कुछ नहीं चाहिए, बस वो मुझे ऐसे बुलाते चलाते रहे और मेरी बहनों को सबको हम आपस में बस खुश रहें, मुझे यही चाहिए। ए बाबा रे देवा। मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुष निकला रे। मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। ये व्लॉग भी शूट हो चुका है, आगे कभी मैं मुकर ना जाऊँ तो आप लोग भी ये व्लॉग दिखा देना उनको, ये पापा को भी याद रहेगा। मेरे को सिर्फ उनकी मोहब्बत चाहिए और मैं सिर्फ उनकी मोहब्बत और प्यार की, क्योंकि माशाल्लाह मुझे उतनी ही मोहब्बत और इज्जत देते हैं। तो बाकी इमोशनल बातें साइड में रखते हुए प्रैंक करते हैं स्टार्ट। लेट्स सी उनका रिएक्शन क्या होने वाला है। अच्छा, मैं बराबर कमरे में पापा मम्मी वाले कमरे में करने वाली हूँ प्रैंक, और उसके लिए ना मुझे चाहिए साथ अफो का। तो अफो जो है कैमरा सेटअप करेगी वहाँ पर। बाकी मेरे को ऐसी तनस वाली बातें करनी है पापा से जिससे सब माहौल बहुत गर्म हो जाए। आई नो ये थोड़ा अजीब सा है क्योंकि पापा कभी ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे मेरे से। ये मैं मतलब वैसे देने को तो मुझे दुनिया जहान दे दे जो उनके बस में हो, लेकिन वो ये नहीं चाह सोचेंगे, कभी सोचा भी ना हो कि मैं उनसे मांगूंगी, टट के मांगूंगी दो मेरा हिस्सा प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ लाइक दस। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। प्लान में ट्विस्ट आया है, हमने फाइव स्टोरी अपने साथ ले लिया है, हम फाइव स्टोरी हमने प्लान में साथ ले लिया है। और ये भी खूब अच्छी वाली एक्टिंग करने वाला है ना। देखो भाई से हिस्से का प्रैंक हो गई, कोई ऐसी बहन प्रैंक ही रहना चाहिए बसी, प्रैंक ही रहना चाहिए बसी, प्रैंक ही रहना चाहिए बसी। गजब बेइज्जती है। चल निकल। तो चलिए शुरू करते हैं। बस कुछ नहीं, एक बात करने की फ्यूचर में आगे होगा बात है। चीटिंग करता है तू। इससे ऐसी उम्मीद नहीं है। लगा दिया सब कुछ है, माशाल्लाह बच्चे इतने बढ़िया है, अच्छे हैं, कमा रहे हैं, तुम्हें क्यों, मैं क्या जरूरत पड़ी।
बहुत तेज हो रहा है हैं, बहुत तेज हो रहा है। मैं तो लिख के दे रही हूं, पेपर पे साइन कर दो। पेपर ला भाई, जल्दी जा। पेपर लेकर इनसे साइन कराएंगे अभी। पागल है। देख रहे हो, देख रहे हो। देख रहे हो, देख रहे हो। तुम्हारी शादियां कर तो दी भाई के लिए। अरे तो शादियों में कब ले आओ भाई अपना शादी। शादियों को क्या करते बेटा, इधर आ तू। इधर आके बैठ जा तू बीच में ना। हां ये भी आ रहा है। अब मैं सामान में इसको कर दोगे, पहले मैं ले लूं। नहीं बोलूंगी तो हंसी बातें क्यों कर रही है? दोनों को अपना कटे लोग लिख के जाएंगे देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जाके इलाज करो भाई। इसका मांगने पहुंच रही क्या हो गया? तुम्हारा सही है।
हर वक्त इंशाल्लाह तीन जोड़ी बनाते रहो। अरे जाओ परवीन, तुम भी समझे नहीं, तुम अपने बच्चों पे उम्मीद है ऐसे कर सकते हैं। अब मेरे रोने लगे, सॉरी मम्मा, आपको माल से इतना प्यार है, कुछ तो बोल, मुंह तो खोल, प्यार काफी दिनों बाद कोई प्रैंक आया नहीं था मेरे चैनल पे, तो आप लोग को जरूर अच्छा लगा। बाबा प्रैंक कैसे लगा? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। आपको कैसे लगा जरूर बताएं इस प्रैंक को। पापा मम्मी क्या कहना चाहेंगे आप? सही है, प्रैंक कर दिया है, लेकिन कभी रियल में ऐसे सोचते हैं। अगर प्रैंक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो जो बेचारी बेटियां हैं जो चाह रही हैं उन्हें हिस्सा मिले, उनसे कहें दिमाग से निकालते हैं, दुआ मांगो मेरे मियां को खून मिले, और बाकी जो है जो देना चाहते हैं दे, ना देना चाहते आई डोंट केयर। अल्लाह हाफिज़।